नमस्कार, स्वागत है आपका NBSC न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले उनका परिचय दे देती हूँ। समाज सेवी है, युवाओं के आदर्श हैं, BJP में एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा काम करने वाले हैं। साथ ही जयपुर जिला उत्तर देहात के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ है श्याम शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, नमस्ते दिव्या। चुनाव की बिगुल बज चुका है, BJP ने भी 25 की 25 सीटें जीतने की कवायद करती है। पहला सवाल तो यही है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है जयपुर ग्रामीण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन साल में काम करने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में नीचे बूथ लेवल तक और नीचे पन्ना प्रमुख तक हमने सभी जगह हमारे कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है। और निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जितने वोटों से जीती उससे ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। जी जी। तो सर, दो योद्धा है मैदान में, एक तरफ तो अनिल चोपड़ा, एक तरफ राव राजेंद्र जी है। क्या लग रहा है, BJP कितने मतों से जीत सकती है यहाँ पे? देखिए, पिछली बार हमने 392,000 वोटों से जीत हासिल की थी जी। और हमारा आपकी बार का जो लक्ष्य है वो 500,000 वोटों से जीतने का जी। मोदी जी ने बिगुल बजाया, 400 के पार पहुँचेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कह रही है 400 के पार भी नहीं जा देंगे, 200 पर ही समटा देंगे। देखिए, कांग्रेस को मेरे को लगता है कि देश में कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है और कांग्रेस जो कह रही है उसको मुझे नहीं लगता कि जनता गंभीरता से ले रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार जाने वाली है। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी आई है जयपुर में, प्रधानमंत्री जी को कहा कि भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी को कोई वोट नहीं देगा। देखिए, जो देश का जनमानस है वो जानता है कि कांग्रेस ने जो पिछले 60 साल का जो शासन रहा और जो 2004 से 2014 तक उनका जो शासन रहा उसमें जो भ्रष्टाचार करते हुए जो एक विभिन्न जो श्रृंखला बनाई उसके कारण से जनता पूरी त्रस्त रही। और 2014 के बाद में जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो आप देखिए पूरे देश में एक भी कोई घोटाला हमने नहीं सुना है और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में जा रहे हैं। ये तो सोनिया गांधी जी क्या कहती है इसका, मैंने फिर आपको कहा कि कांग्रेस को कोई भी जनता गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राजस्थान महिला अपराध में भी नंबर वन है। देखिए, पिछले 5 साल जो अशोक गहलोत जी का शासन था उसमें जो पुलिस प्रशासन की जो स्थिति थी, कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी उसके कारण से राजस्थान महिला अपराध में नंबर वन पे पहुंच गया। सवाल ये निशान BJP पर खड़ा हो रहा है, BJP राज में भी हो रहा है। देखिए, अब मात्र अभी दिसंबर में हमारी सरकार बनी है और बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो पेपर माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, और स्त्री अपराधों में तो ये माननीय है कि प्रधानमंत्री जी का संदेश है शक्ति वंदन, नारी को उन्होंने शक्ति कह के संबोधित किया है। तो शक्ति वंदन जहाँ पे है तो ये मान के चलिए कि उनके लिए महिलाओं की क्या प्रायोरिटी है। कतई राजस्थान में आप देखिएगा आने वाले समय में महिला अपराध शून्य की स्थिति में राजस्थान में आने वाला है। एक सवाल है कि आए दिन BJP में भारी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि ED का डर सता रहा है इनको, या ED डरा रही है इस वजह से वो BJP में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धीरे धीरे अपने खात्मे की ओर है और वहाँ पे जो भी नेता है उनको अपना भविष्य वहाँ असुरक्षित लग रहा है, इसलिए वो सभी नेतागण कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा है कि BJP डरा रही हो? नहीं नहीं, मैंने फिर कहा आपको कि यदि आप भ्रष्टाचारी नहीं है, यदि आपने सही काम किया है तो आपको डरने की कहाँ जरूरत है। और ऐसा कहीं भी नहीं है। आप ये देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन भी लोगों पर ED ने कार्रवाई की है, न्यायालय द्वारा आप देखिए उनको जमानत भी नहीं मिली है, वो अभी भी जेल में है, तो ऐसा क्यों है? अगर ED उनको फंसाती या ED डराती उनको तो न्यायालय से उनको बेल मिल जाती या वो बरी हो जाते। लेकिन आप देखिए कि न तो उनको जमानत मिल रही है, न वो कोई जो दोष मुक्त हो रहे हैं, बल्कि वो तो लगातार जब से वो जेल के अंदर गए हैं और लगातार जेल में ही बैठे हैं। कौन गए हैं? जो भी गए, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता गए, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता गए, चाहे पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की जो भ्रष्ट सरकार है उसके जो मंत्रीगण गए, वो अभी भी जेलों में बैठे हैं। तो जेल में बैठे हैं इसका मतलब यह है कि न्यायालय ने कोई तथ्य पाया है,
न्यायालय ने को तथ्य स्वीकार किया है तभी वो जेल में है। जेल में है और कांग्रेस वाले लगातार उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं बाहर। देखिए मैंने फिर कहा कि कांग्रेस की संस्कृति भ्रष्टाचार की संस्कृति है, वहाँ जो लोग हैं वो अधिकतम भ्रष्टाचार के माध्यम से वहाँ जमे हुए हैं और उनका जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो भी भ्रष्टाचार के माध्यम से ही संचालित है, इसलिए वो उनका समर्थन करते हैं, वहाँ पे उसकी स्वीकृति है इसलिए वो उनका समर्थन कर रहे हैं। एक सवाल है, कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है, राजस्थान में भी चेहरे नहीं है, बाहर भी चेहरे नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैंने कहा कि जो कांग्रेस ने पहले चेहरा दिया देश में, राहुल गांधी जी, आप उनको ही देख लीजिए ना कि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं फिर भी वो बार बार अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों में जो रह रहे हैं और पद में नहीं रह रहे तो पद के पीछे से सरकार पार्टी चला रहे हैं। तो वास्तविकता यह है कि कांग्रेस जो है उसके पास न नीति है, न नियत है और न नेता है। राहुल गांधी जी तो न्याय यात्रा में बहुत लंबे समय तक उन्होंने तो सिर्फ न्याय यात्रा ही किया और पता नहीं आई थिंक वो पूरी भी नहीं हुई अभी तक। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी में न्याय से न्याय करना चाहिए पहले तो, क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह लिए, उसके बाद में पर्दे के पीछे से सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी से न्याय नहीं कर रहे। अभी उनके पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही है, जैसे अभी प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि ये लगातार चुनाव हार रहे हैं फिर भी जवाबदेही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि न्याय का जो प्रथम बिंदु है वो है जवाबदेही, पारदर्शिता। जब आपके नेतृत्व में लगातार आपकी पार्टी हार रही है तो पहले तो न्याय अपनी पार्टी से कीजिए, आप बाद में देश के लोगों को न्याय दिलाइए। पार्टी की बात करें, कहा जाता है कि परिवारवाद वाली पार्टी सिर्फ अपने परिवार को ही लेकर चलती है, दूसरों से कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए उनके पास लोग नहीं है और कहीं ना कहीं ये बात है कि लोग पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं। देखिए वास्तविकता है कि कांग्रेस जो है वो एक परिवारवादी पार्टी है और इसके अंदर मैक्सिमम आपको जो नेता मिलेंगे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो फैमिलीज है उनसे मिलेंगे, और आप वर्तमान में आप देख ही सकते हैं कि सोनिया जी हैं, उनके बाद अब राहुल जी हैं, अब राहुल जी के बाद में और कौन आएगा। ये तो हम तो इसी बात पे चोट करना चाह रहे हैं कि ये जो देश है इसमें सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है और परिवारवाद के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर परिवार में कोई वास्तविकता में योग्य व्यक्ति है और वो राजनीति में आता है हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आप केवल इसलिए कि आप उस परिवार से हो इसलिए आपको अमुक पद पे होना चाहिए या आपको महत्वपूर्ण पद पे होना चाहिए, हम इस बात का विरोध करते हैं। चलिए तो बहुत बढ़िया बात की आपने, लेकिन राहुल गांधी जी की जब तक शादी नहीं होगी तब तक तो दूसरा कोई कह नहीं सकते चेहरा आएगा। देखिए ये उनका व्यक्तिगत विषय है कि उन्होंने शादी की या नहीं की, ये उनका व्यक्तिगत विषय, मैं इसमें नो कमेंट करना। जी आपके लोकसभा क्षेत्र की बात कर ले, राव राजेंद्र सिंह का कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, जनमत कैसा सपोर्ट कर रहा है? देखिए हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह जी हैं वो बहुत अच्छा, उनका जो संपर्क जनसंपर्क चल रहा है और वो पिछले 40 वर्षों से राजनीति में है, शुचिता की राजनीति करते हैं, कर्तव्य निष्ठा की राजनीति करते हैं, और आप ये देखिए कि 40 वर्षों में उनके जो विरोधी हैं वो भी ये कहेंगे कि राव साहब व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी, तो ये उनकी राजनीति का है, इसीलिए उनको इसके लाभ के रूप में या परिणाम स्वरूप ये लोकसभा का टिकट मिला है और आप देखेंगे आने वाले समय में वो 5 लाख से अधिक वोटों से जीत करके लोकसभा में जाएंगे। जनमत है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं यूथ को भी, हमें यूथ पे भी भरोसा करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए यूथ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, इसलिए मैं 38 मेरी अभी एज है और मेरे को पार्टी ने जिला अध्यक्ष इतने बड़े जिले का बना रखा है, तो हमारी पार्टी में बिल्कुल युवाओं के लिए समुचित अवसर है और युवा नेताओं के लिए पूरे अवसर है, इसलिए अधिकतर नेता जो दूसरी पार्टियों के हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मौका दे रही है पार्टी? बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी मौका दे रही है। अनिल चोपड़ा जी की बात कर लेते हैं, उनकी सभाओं में लगातार सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं, उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि जीत के नज़दीक हैं या मिड में हैं, बिल्कुल पीछे हैं? देखिए मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो अभी अशोक गहलोत जी की सरकार गई उसमें सचिन पायलट जी की क्या स्थिति है वो हम सभी जानते हैं। वो जब उप मुख्यमंत्री थे तब भी उनका कोई काम उस सरकार में नहीं होता था, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वो रुष्ट होकर के चले गए, नाराज होकर चले गए, उसके बाद तो अशोक गहलोत जी ने जो जो शब्द उनके लिए कहे वो मैं नहीं कहना चाहूँगा, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो मैं मानता हूँ कि सचिन पायलट जी का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है वो किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया। पिछली सरकार के मुद्दों को देखें और बीजेपी के मुद्दों को देखते हैं तो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप लोग काम करना चाहते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दे हैं वो हमने हमारा संकल्प पत्र दिया है,
हमारे जो मुद्दे हैं, नारी शक्ति का सशक्तिकरण हो, गरीब का कल्याण हो, देश हमने मोदी जी ने हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, तो हम उसकी ओर आगे बढ़े। आने वाले 3 से 4 सालों में हमारा लक्ष्य है कि भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी वर्ल्ड में बने, ये हमारा लक्ष्य है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से माताओं बहनों को बाहर पानी लेने नहीं जाना पड़े, हर घर में नल से जल आए, ERCP प्रोजेक्ट के माध्यम से जिन जिलों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था हो। तो आप देखिए, ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें सभी पक्ष जो हैं, वो युवा हो, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, OBC हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, उन सब के लिए कुछ ना कुछ है। और हम निश्चित रूप से उनको, मोदी जी कहते हैं कि उनकी गारंटी की गारंटी है, तो हम केवल कहने के लिए घोषणा पत्र नहीं बनाते, हम करने के लिए घोषणा पत्र बनाते। तो मोदी जी की गारंटी को भरपूर तरीके से रथ को चला रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से चला रहे हैं। आखिरी सवाल के साथ ही ये वार्ता खत्म करूंगी कि श्याम जी युवा नेता है, युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले हैं, कैसे शुरुआत हुई राजनीति? देखिए, मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और उसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता के नाते मैंने काम किया, राजस्थान विश्वविद्यालय में काम किया, कोटा में मैंने संगठन मंत्री रहते हुए काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए मुझे राष्ट्रवादी सोच के साथ कार्यक्रम करने का और छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन करने का अवसर मिला, जिसका लाभ मुझे मिला। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की तो मैंने युवा मोर्चा में भी काम किया। उसके बाद में हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत अच्छी योजना, विस्तारक योजना, जिसमें हमारे कार्यकर्ता अपना समय देकर के दूसरे स्थान पर जाकर काम करते हैं, उस विस्तारक योजना का संभाग का प्रभारी रहने का भी मेरे को जो मौका मिला। हमारा जयपुर देहात जो था उसमें जिला उपाध्यक्ष रहने का मौका मिला और मेरे काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को इसे जिला अध्यक्ष के नाते काम देने का करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद पार्टी का करता हूँ। आगे बड़ा पद मिलता है कोई श्याम जी को, तो श्याम जी के क्या रीति और नीति रहेगी? देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में पद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हम उसको दायित्व कहते हैं कि जितना बड़ा दायित्व को हमारा जो बढ़ता जाता है। तो पार्टी ने अभी मेरे को जिलाध्यक्ष के नाते दायित्व दे रखा है, आगे भी कोई मेरे को पार्टी दायित्व देगी तो मैं मेरे पूरे जो एफर्ट से, मेरी पूरी योग्यता से मेरी पार्टी के लिए उसको निभाने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी मेरे साथ थे। श्याम जी जिन्होंने बताया कि 25 के 25 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर के साथ मैदान में है, साथ ही साथ जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह का भारतीय जनता पार्टी फुल सपोर्ट कर रही है और भारी मत के साथ उन्हें जिताने का प्रयास करेगी।